Marvelous work. Think creative. Do creative. Become creative. Before starting our video, if you didn't subscribe our channel, then first click on subscribe option, then click on bell icon so that you can never mistake any update. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडियन ट्रेन सिमुलेटर ये जो ऐप है, ये जो गेम है, इस गेम के आप जो एसेस्ट होते हैं जैसे में कोचेज, इंजन, रूट्स, इन सब चीज को आप कैसे अनलॉक करें। ओके, इससे पहले मैंने सोचा था कि मैं रियल क्रिकेट 19 पर बनाऊँ, लेकिन उसके बहुत से वीडियो आने पर मैंने उसे इग्नोर किया और उसके बाद मैंने इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के बारे में सोचा, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसके भी बहुत से मॉडिफिकेशन नहीं है। इसके क्रैक वर्जन नेट पर अवेलेबल है जिसमें आपको सब कुछ अनलॉक किया जा सकता है, लेकिन मैंने एक ही देखा को जितने भी अनलॉक की वीडियो थी वो सब में इस एपीके को मोड वर्जन दिया गया था, इस इंडियन ट्रेन सिमुलेटर को मोड किया गया था। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मोड करने से कि जो हमारी फर्दर जो अपडेट आती है वो प्ले स्टोर पर नहीं दिखाती है, इसके लिए हमें फिर से गेम को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसमें आपको इससे मोड नहीं करेगा, इवन इफ आपको वो जो ओरिजिनल एपीके होगा उस ओरिजिनल एपीके ही थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जो आपका ओरिजिनल रहेगा उसी में ही आपको सब कुछ अनलॉक किया जाएगा, आपको इसे इसके मोड करने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं उस प्रोसीजर की क्या करना है। बहुत ही सिंपल है करना। तो इस चीज के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको प्ले स्टोर खोल लेना है और इसके सर्च में जाके आपको सर्च करना है इंडियन ट्रेन सिमुलेटर। और इससे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेगा। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड किया इसलिए मेरे में ओपन का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ देखिए ओपन, यहाँ पर आपको देगा इंस्टॉल का ऑप्शन, आप उसे इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। और एक चीज और जो आपको इंस्टॉल करना है वो है जेड आर्काइवर। जेड आर्काइवर इससे भी आप इस दो चीज को डाउनलोड कर लीजिएगा, जेड आर्काइवर और इंडियन ट्रेन सिमुलेटर, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस दोनों को डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल के एंड्रॉयड में इस ऑल ऐप में जाना है, या सब सभी ऐप को खोलते हैं और वहाँ आपको ये देखिए ये इंडियन ट्रेन सिमुलेटर और जेड आर्काइवर मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा डेमो। देखिए हमारा गेम खोल रहा है। यहाँ पर जब आप ड्राइव पर जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट, सॉरी मैं गलत ऑप्शन पर आ गया। स्टोर पर जाकर जब आप इंजन में आइएगा तो ये देखिए लॉक है, और इसे अनलॉक करने के लिए आपको $0.99 पे करना पड़ेगा। नहीं आ रहा, इससे आप अगर मोड अप्लाई कीजिएगा तो भी ये अनलॉक हो सकता है। देखो मैं बिना मोड के बता रहा हूँ, मैंने बिना इस मोड किए हुए ऐसे ओरिजिनल एपीके में करना है। तो इससे आप पहले कार्ड क्लोज कर दीजिएगा और आपको सबसे पहले इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आपको एक फाइल को डाउनलोड कर लेना है। उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप उसके डाउनलोड लोकेशन में जाएगा कि आपका वो डाउनलोड कहाँ गया। मेरे डाउनलोड में गया इस नाम से, com.highgointernative.indiantransim.zip इस नाम से आपको मिलेगा। फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपको एक स्किप करने के बाद जब जैसे आप एक एड फ्लैग का लिंक खुलेगा उसे स्किप कीजिएगा तो आप मीडिया फाइल के लिंक मिल जाएगा, जहाँ आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इससे आपको डाउनलोड करने के बाद आपको इसके डाउनलोड लोकेशन में जाना है और वहाँ से आपको ये इस नाम का डाउनलोड फाइल मिलेगा। इससे आप क्या कीजिएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और इस सब कीजिएगा एग्जैक्ट हेयर पर क्लिक। मैं फिर से बताता हूँ, आप पहले इस पर क्लिक कीजिएगा com.highgointernative.indiantransim.com.ip पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है एग्जैक्ट हेयर। एक्सट्रैक्ट हियर, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसको क्या करना है, आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। जब आप इस पर लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो ये कॉपी का ऑप्शन देगा। शायद एक प्रेस से तो ये खुल जाएगा, आपको खोलना नहीं है, आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। इस फोल्डर पर इंडियन ट्रेन हाइब्रोन इंटरएक्टिव इंडियन ट्रेन सिम पर, नॉट जेड आई पी पर, जो डॉट जेड आई पी उस पर नहीं करके उसके ऊपर वाले फोल्डर पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, तो आपको कॉपी का ऑप्शन देगा। यहाँ सब कॉपी कर लीजिए और इससे आप जाकर एसडी कार्ड के एंड्रॉइड फोल्डर के एंड्रॉइड के डाटा में जाकर आप इसे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर अप्लाई टू ऑल द फाइल्स और रिप्लेस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर अप्लाई टू ऑल द फाइल्स एंड रिप्लेस पर क्लिक कर दीजिएगा। जब 100% हो जाएगा तो आपको इस जेड आर्काइवर को क्लोज कर देना है। आपको इंडियन ट्रेन सिमुलेटर को खोलना है। आप उस प्रोसीजर को देख लीजिएगा। जब आप इसे खोलिएगा, वो जो जेड आई पी फाइल था वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के डाउनलोड लिंक में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए हमारा गेम खुल रहा है। अब इसके स्टोर में आइएगा। आप इसे गूगल प्लस से कनेक्ट कर सकते हैं। आपका मगर इंटरनेट रहा तो इसमें कोड आउट नहीं के नहीं कनेक्ट होगी ओरिजिनल एपीके। और देखिए सारे के सारे अनलॉक, चाहे इंजन हो, कोचेज हो, अनलॉक्ड स्टेशन, अनलॉक्ड ड्राइविंग, अनलॉक्ड फ्यूचर, अनलॉक्ड कैमरा, अनलॉक्ड। तो ये एक तरीका कि आप कैसे उसे अनलॉक करें। और आपने देखा कि मैंने इसमें इसके मोड एपीके को इंस्टॉल नहीं किया, मैंने ओरिजिनल एपीके को इंस्टॉल किया। फिर जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक था वहाँ सब डाउनलोड कीजिएगा उस फाइल को और उसे एक्सट्रैक्ट करके उसे एंड्रॉयड के डाटा में पेस्ट कर दीजिएगा। आपको सारा कुछ अनलॉक मिल जाएगा। आप इसे देखिए। जैसे मैं हावड़ा से आसनसोल जाना चाहता हूँ, चलिए ठीक है, वन वे में चलता हूँ। उसमें ट्रेन चलाऊंगा नहीं, बस सबको प्रूफ दे रहा। ये देखिए, आप जिससे भी चाहें उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे के सारे अनलॉक आपको मिलने वाली है। चलिए मैं बैक फाइल लेता हूँ, राजधानी लेता हूँ और प्ले पर क्लिक करता हूँ। हावड़ा एक्सप्रेस।